चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 971 बीटा फंक्शन के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। क्या करना है तुम्हें, बस थ्री स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, देखो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में को बिलोंग करता है। तो तुम्हें क्या लगता है हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इन तीनों में से किस फॉर्म को बिलोंग करता है? पहले फॉर्म को बिलोंग करता है। क्यों? लोगों को लगेगा कि सेकेंड फॉर्म को बिलोंग करता है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो भले ही ये सेकेंड फॉर्म का लगता है क्योंकि ये अपॉन है, बट अगर तुम इसको ऊपर लेके जाते हो तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्म को दिखाई दे रहा है, देता है। एंड वन मोर क्लू इज दैट कि यहाँ पे m प्लस n है, यहाँ पे 1 अपॉन n है। ये बहुत बड़ा क्लू है जो हमें बताता है कि ये क्वेश्चन पहले वाले फॉर्म का क्वेश्चन है। अब चलो मान लिया कि पहले वाले फॉर्म का क्वेश्चन है, बट आगे क्या, स्टेप नंबर टू, जिस भी फॉर्म का क्वेश्चन है एग्जैक्टली उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब ये बस इस फॉर्म का क्वेश्चन है, वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है। तो पूरे के पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को एग्जैक्टली इस फॉर्म का बनाएंगे, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस फॉर्म का क्वेश्चन है। और बनाने के बाद डायरेक्ट आंसर निकलता है, और डायरेक्ट आंसर निकलने के बाद थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स करके जो भी हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला है वो हम प्रूफ करेंगे। सिंपल एज दैट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। अब आगे बढ़ता है, देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर ये ऊपर लेके गए तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस वन अपॉन एन, राइट। उसके बाद डीएक्स वैसे का वैसा, ये मिल गया। अब देखो कितना ज़्यादा इस फॉर्म के जैसा लग रहा है, ओके। अब एग्जैक्टली उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जब भी हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो फॉर्म नंबर वन या फॉर्म नंबर टू को बिलोंग करता है, तो हमें हैक नंबर वन यूज़ करना पड़ता है। हैक नंबर वन क्या कहता है, पुट सेकंड मैन इज इक्वल टू फर्स्ट मैन इनटू टी। अभी हम हमेशा ब्रैकेट की बात करते हैं, तो ब्रैकेट में ये हमारा फर्स्ट मैन है, ये हमारा सेकंड मैन है। तो पुट सेकंड मैन इज इक्वल टू फर्स्ट मैन इनटू टी। अब इस साइड का जो टर्म होता है इसको हमें नंगा पुंगा करना होता है, मतलब बेसिकली सिंगल टर्म चाहिए होता है इधर। तो अगर इसको हमें सिंगल टर्म यानी कि नंगा पुंगा करना है, तो सारे के सारे टर्म्स को रेज टू वन अपॉन एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको हम रेज टू वन अपॉन एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, मतलब बेसिकली नंगा हो गया। अगर इसको हम रेज टू वन अपॉन एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये भी नंगा हो गया। अब इसको नंगा होने की इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, बट अभी इसको नंगा होने का इतना शौक है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको भी रेज टू वन अपॉन एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एन हो जाएगा, ओके। एंड बस खत्म। अब सारे के सारे टर्म्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स इज टू एन माइनस वन, दैट इज वन अपॉन एन टी वन अपॉन एन माइनस वन डी टी, ठीक है। अब जब भी हमें पुट वगैरह करते हैं हमें ये देखना होता है कि क्या इसकी वजह से हमारे लिमिट्स पे कोई असर पड़ा है क्या। दो वेरिएबल्स हमारे पास एक्स और टी, दो लिमिट्स है जीरो और ए। अगर x 0 है तो क्या t भी 0 होगा, x की जगह पे 0 डाल दो, हाँ t भी 0 ही होगा, ठीक है, इसलिए 0। अगर x a है तो क्या t भी a होगा, x की जगह पे a डाल दो, दैट वुड बी a रेज टू n, a रेज टू n उधर आएगा, दैट वुड बी a रेज टू n अपॉन a रेज टू n, दैट वुड बी 1, तो t वुड बी 1, तो यहाँ पे 1, सॉरी फॉर दैट, माय बैड, ओके। बेसिकली ये हमारे नए लिमिट्स है। अब जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली है वो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे इन दिस, तो हमारे नए लिमिट्स वुड बी 0 टू 1, देन a रेज टू n माइनस x रेज टू n हमारा ये है, तो a रेज टू n इंटू t, एंड उसके बाद माइनस वन अपॉन n, एंड dx, dx क्या है ये है, तो ओहो a अपॉन n t रेज टू वन अपॉन n माइनस वन डी टी। अब इसमें से जो भी कचरा टर्म्स है सारे के सारे कचरा टर्म्स को हम बाहर निकालेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कचरा टर्म्स है और कौन से अच्छे टर्म्स है? जो भी टर्म्स हमें हमारे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के लिए मदद करेंगे वो अच्छे टर्म्स है, बाकी सब कचरा टर्म्स है। देखो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें बाद में पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 0 टू 1 लिखूंगा। अब इसमें से a रेज़ टू n को मैं कॉमन ले लूंगा। अगर a रेज़ टू n को मैं कॉमन ले लूंगा जो बाहर जाएगा, तो इट वुड बी a रेज़ टू n रेज़ टू माइनस 1 अपॉन n रेज टू माइनस वन अपॉन एन, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये है। एंड ब्रैकेट में यहाँ पे अगर ए रेज टू एन को बाहर निकाला तो दैट वुड बी वन माइनस टी रेज टू माइनस वन अपॉन एन, ओके। एंड ये भी बाहर आ जाएगा ए अपॉन एन, तो ए अपॉन एन ये बाद में सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद टी रेज टू वन अपॉन एन माइनस वन टी रेज टू वन अपॉन एन माइनस वन डी टी। अभी इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज ए रेज टू
n raised to minus 1 upon n, that would be a raised to minus n upon n, that would be a raised to minus 1. So a raised to minus 1 को हम 1 upon a लिख सकते हैं, और ये ऐसे का ऐसा, ओके, ये 0 to 1, और 1 upon n यहाँ पे बचेगा, तो वो बाद में लिखेंगे, t raised to 1 upon n minus 1, और उसके बाद 1 minus t minus 1 upon n dt, 1 upon n. अब यहाँ पे देखो, ये जो है वो exactly इस form में दिखाई दे रहा है, exactly इस form में, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है. यहाँ पे गलत था, किधर गया, यहाँ पे गलत था, और यहाँ पे गलत क्या था, यहाँ पे कोई term था ही नहीं, यहाँ पे term था, देखो यहाँ पे term है, okay, तो मतलब ये basically exactly उसी form का आ चुका है. अब exactly उसी form का आ चुका है, तो क्या direct answer निकालेंगे, that is beta m plus 1 comma n plus 1. So, अभी अगर तुमने इसको और इसको compare किया, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो m plus 1 यानि कि this plus 1, that is 1 upon n, अब यहाँ पे n plus 1, that is ये हमारा n है, तो minus 1 upon n plus 1. अभी इसको ना, इसको हम उल्टा लिखते हैं, 1 minus 1 upon n भी लिख सकते थे उसको, okay, वैसे लिखते हैं, but अभी भी हमारा ये answer नहीं आया, इसके लिए हमें ये वाला formula use करना पड़ेगा. ये वाला formula क्या कहता है, 1 upon n gamma, देखो gamma m, ये हमारा m है, ये हमारा n है, gamma 1 minus 1 upon n upon this plus this, that is 1 upon n plus 1 minus 1 upon n. wow, wow, यही बचेगा, तो ये नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि गामा 1 1 ही होता है. तो अभी इसको ही सॉल्व करेंगे. अब यहां पे देखो, ये जो है इसमें से ये वैसे का वैसा लिख देंगे. अब ये जो है वो एग्जैक्टली इस फॉर्म का है, ओके, बाय द वे गामा फंक्शंस की चीज है सब के सब. तो अगर ये इस फॉर्म का है, तो ये उसका फार्मूला है, दैट इज पाई अपॉन sin n, यानी कि बेसिकली 1 अपॉन n, 1 अपॉन n पाई, ओके, और उसके बाद ये इधर आ जाएगा, दैट इज पाई अपॉन n. अब 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, राइट, सो cosec पाई अपॉन n, और ये आपका फाइनल आंसर है. ये और ये सेम है, चेक कर लो. What's up Planetologist Army, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं. नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे. इसलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेस कीजिए. और ये जो सब्जेक्ट है, इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है, और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट. इसीलिए अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.